हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू रिमूव ग्रीन लाइन ऑन फोन स्क्रीन इन मोटो G52। तो गाइज, अगर आपके पास यहाँ पे मोटो G52 का गाइज यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है एंड गाइज आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके की ग्रीन लाइन आ चुकी है एंड गाइज जो आप है इस ग्रीन लाइन को रिमूव करना चाहते हो, तो कैसे इस ग्रीन लाइन को रिमूव कर सकते हो गाइज, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। एंड गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको यहां पर ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप में आ जाना है। ये ऐप की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही गाइस यहां पर ऐप में एंटर करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपको गाइस यहां पे फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा होगा गाइस, वर्जन अनइंस्टॉल। गाइस आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे लास्ट में पिक्सल फिक्सर करके शो होगा, गाइस आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, डेट पिक्सल फिक्स, डेट पिक्सल फिक्स AI। तो आपको गाइस यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, डेट पिक्सल फिक्स पे। तो जैसे गाइस यहाँ पे इस पर क्लिक कर दोगे तो गाइस आपको यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, गाइस आपका यहाँ पे जो है डेड पिक्सल स्कैन इन प्रोग्रेस। तो गाइस आपका जो पिक्सल जो है डेड हो चुका है गाइस, जिस वजह से आपको यहाँ पे आपकी ग्रीन लाइन आ रही है। गाइस ये जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके गाइस ये जो है उसे स्कैन करेगा, उसे डिटेक्ट करेगा। गाइस डिटेक्ट करने के बाद फिर उसका गाइस आगे का प्रोसेस करेगा। तो गाइस यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होने को मिनिमम 10 to 50 सेकंड लग सकते हैं गाइस, आपको यहाँ पे वेट करना है। तो गाइस देख सकते हो गाइस आपका यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, डेड पिक्सल डिटेक्टेड, अ डेड पिक्सल has been detected, will you like to repair it now? तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपली से रिपेयर नाउ पे क्लिक कर देना है, यानी गाइस हमें इसे रिपेयर करना है तो इसे हम सिंपली से रिपेयर नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही गाइस यहाँ पे रिपेयर नाउ पे क्लिक कर देंगे तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे डेड पिक्सल जो है गाइस इसे रिपेयर करने का प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आपको यहाँ पे वेट करना है गाइस, यहाँ पे जो है आपके डेड पिक्सल को गाइस फिक्स करने के लिए जो जो आपकी फाइल यहाँ पे रिक्वायर रहेगी आपके मोबाइल फ़ोन में गाइस, यहाँ पे ये जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके गाइस उस फाइल को डाउनलोड करेगा एंड गाइस ये जो है आपकी ग्रीन लाइन जो है उसे फिक्स कर देगा। तो गाइस आपको यहाँ पे वेट करना है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने को गाइस यहाँ पे 30 to 40 मिनट्स लग सकता है। तो बस गाइस आपको यहाँ पे वेट करना है एंड गाइस आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है गाइस, जब भी आप अपने जो है इस ग्रीन लाइन को आप रिमूव करना चाहते हो, डेड पिक्सल को जो है यहाँ पे से रिमूव करना चाहते हो, तो गाइस जब आपका ये प्रोसेस चल रहा होगा तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के नेट को ऑन रखना है, क्योंकि गाइस ये जो सारा प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस है। तो गाइस आपको यहाँ पर जो है अपने फ़ोन के नेट को ऑन रखना पड़ेगा। तो गाइस आपको यहाँ पर वेट करना है, जब तक आपका पूरी तरीके से आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है आपके ग्रीन लाइन का गाइस, तो यहाँ पर आपको बैक नहीं करना है। अगर आप बैक कर देते हो गाइस तो आपको यहाँ से फिर से स्टार्ट टू एंड करना पड़ेगा गाइस, आपका जो है फिर से रिकनेक्ट नहीं होगा। तो गाइस आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। तो देख सकते हो गाइस आपकी यहाँ पे जो है वो ग्रीन लाइन यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, अगर ग्रीन लाइन रिमूव हो जाती है तो गाइस काफ़ी सारे लोग बैक कर देते हैं, फिर से जो गाइस यहाँ पे जो ग्रीन लाइन आ जाती है। तो गाइस जब तक ये पूरी तरीके से इसके स्टेबल नहीं कर देता है, पूरी तरीके से फिक्स नहीं कर देता है, तो गाइस तब तक आपको जो है इसे बैक नहीं करना है। आपका जैसे ही यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो गाइस आपको वहाँ पे लिख के आएगा, योर डेड पिक्सल हैज़ बीन, मतलब गाइस आपका जो है पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है, ठीक हो चुका है। तो गाइस आपको यहाँ पे वेट करना है, आपको यहाँ से कट नहीं करना है, आपको बैक नहीं जाना है, नहीं तो गाइस आपका फिर से जो है ग्रीन लाइन आ सकती है। तो देख सकते हो गाइस आपका यहाँ पे कुछ ऐसा लिख के आएगा आपको, पिक्सल रिपेयर सक्सेसफुली रिपेयर डेड पिक्सल। तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपली से ओके पे क्लिक कर देना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद गाइस आपका यहाँ पे जो फ़ोन है यहाँ पे एक बार स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होने के बाद गाइस यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और गाइस यहाँ पे जो है वीडियो को कट कर दिया गया है, क्योंकि गाइस जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी वीडियो है, तो गाइस यहाँ पे जो वीडियो है उसको कट कर दिया गया है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो आपका फ़ोन है वहाँ पे ये ऑन हो चुका है एंड गाइस यहाँ पे जो ग्रीन लाइन थी वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है एंड गाइस जो आपका फ़ोन है वो पूरी तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो गाइस आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पे जो हमने है
ग्राफिक्स लैब ऐप के थ्रू गाइस जो है हमने हमारी ग्रीन लाइट रिमूव की है। तो गाइस ये जो ऐप है ये पेड ऐप है, यानी अगर आपको ये ऐप में कोई भी फीचर्स यूज करना है गाइस, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है, अगर आपको कोई भी फीचर्स यूज करना है तो गाइस आपको यहाँ पे कॉइन परचेस करना होगा। कॉइन कैसे परचेस कर सकते हो गाइस वो भी बताऊंगा। तो गाइस आपको यहाँ पर सिंपली से ऊपर 3 लाइन शो हो रहा होगा, आपको गाइस 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कॉइन रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम गाइस आपको 10 कॉइन से लेके 100 कॉइन तक परचेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ से कॉइन परचेस कर लेना है एंड देन गाइस उसके बाद जो है अपनी ग्रीन लाइन को गाइस जो है रिमूव कर लेना है। गाइस अगर आप कॉइन परचेस नहीं करोगे तो आप इस ऐप को यूज़ नहीं कर पाओगे, आपका ये जो ऐप है ये वर्क नहीं करेगा। तो देख सकते हो गाइस कैसे मैंने अपने फ़ोन से ही घर बैठे बैठे बिना किसी पीसी बिना किसी लैपटॉप के गाइस जो है अपनी फ़ोन की जो ग्रीन लाइन है गाइस उसको रिमूव किया है। आप भी रिमूव कर सकते हो गाइस, बस जो स्टेप बताया उस स्टेप को फॉलो करना है। 100% गाइस आपका भी यहाँ पे जो है ग्रीन लाइन रिमूव हो जाएगी। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइन रिमूव होने के बाद भी जो मेरा फ़ोन है वो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।